मोटो G64 5G पिछले एक हफ्ते से मैं यूज कर रहा हूं और मुझे 7 ऐसे पर्सनल फेवरेट फीचर्स मिले जो आपको जानने चाहिए अगर आप ये फोन खरीदने वाले हो या खरीद लिया ऑलरेडी। सबसे पहला फीचर है लॉक स्क्रीन सेफ रिप्लाई। बेसिकली इस फीचर को यूज करके कोई भी लॉक स्क्रीन से डायरेक्टली आपके नोटिफिकेशंस पर रिप्लाई नहीं कर पाएगा बिना एक पासवर्ड डाले। काफी बार ऐसा होता है हम लोग फोन कहीं पे छोड़ के चले जाते हैं और ऐसे में कोई नोटिफिकेशन आता है तो कोई मस्ती के लिए या फिर जानबूझ को आपको हर्ट करने के लिए आपके नोटिफिकेशंस को बिना फोन अनलॉक किए रिप्लाई कर सकते हैं। ये सेटिंग ऑन करने के लिए सबसे पहले जाना है सेटिंग्स के अंदर, नीचे स्क्रॉल करके होम एंड लॉक स्क्रीन पे जाओ, टैप ऑन लॉक स्क्रीन और सेफ रिप्लाई वाले ऑप्शन को ऑन कर दो। जो सेकंड फीचर मुझे काफी अच्छा लगा है, इट इज अ स्वाइप टू स्प्लिट स्क्रीन। बेसिकली कोई भी एप्लीकेशन यूज करते टाइम स्क्रीन के सेंटर से अगर एक फिंगर स्वाइप करोगे तो मल्टी विंडो मोड एक्टिवेट हो जाएगा एंड आप एक टाइम पे दो एप्लीकेशन यूज कर सकते हो साइड बाय साइड। इस फीचर को एक्सेस करने के लिए सेटिंग्स के अंदर डिस्प्ले में चले जाओ, यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना और स्वाइप टू स्प्लिट वाले ऑप्शन पे टैप करके फीचर को ऑन कर दो। तो जैसे स्क्रीन के बीच से स्वाइप करोगे मल्टी विंडो मोड एक्टिवेट हो जाएगा और एक टाइम पे दो एप्लीकेशन यूज कर सकते हो। नोट्स लेने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई करते वक्त बेटर आपसे बात कर लो, वैसे मत करना नहीं तो फेल हो जाओगे, मुझ पे नाम आ जाएगा। नंबर 3 फीचर जो मुझे बहुत पसंद आया इज द डायनामिक वॉलपेपर्स। बेसिकली इंटरएक्टिव वॉलपेपर्स आपको यूआई के अंदर मिल जाते हैं जो आप डायरेक्टली होम स्क्रीन पर लॉन्ग प्रेस करके एक्सेस कर सकते हो। लॉन्ग प्रेस करके वॉलपेपर सिलेक्ट कर लेना और यहाँ पर डायनामिक सेक्शन में चले जाओ। आपको बहुत सारे प्रीलोडेड डायनामिक वॉलपेपर्स मिल जाते हैं जिनको डाउनलोड कर सकते हो। ये वॉलपेपर्स कुछ इस तरह से इंटरएक्टिव है जिसमें आप लिटरली अपने फिंगर से वॉलपेपर्स को कंट्रोल कर पाओगे जो अप्लाई करने के बाद भी सिमिलर वे में वर्क करते हैं। वैसे आपका फेवरेट वॉलपेपर कौन सा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। नंबर 4 फीचर जिसने मेरा ध्यान खींचा था इज द ड्यूअल लाइन क्लॉक। बेसिकली फोन में जब आप टैप करोगे तो लॉक स्क्रीन पर ऐसे कुछ बड़ा क्लॉक देखने मिलता है जो पिक्सल डिवाइसेस में बहुत ज्यादा हमें दिख रहा है। ये क्लॉक पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा पसंद है एंड आपको भी अगर इसको अनेबल करना है तो मैं बता दूं कैसे करना है। सेटिंग्स के अंदर आपको लॉक स्क्रीन में चले जाना है, टैप ऑन लॉक स्क्रीन और यहाँ डबल लाइन क्लॉक को अनेबल कर दो। फिर आप जब भी लॉक स्क्रीन पर सिंगल टैप करोगे तो कुछ इस तरह से क्लॉक दिखेगा और लॉक स्क्रीन पर कुछ इस तरह से बड़ा क्लॉक दिखेगा। एस्थेटिकली बहुत ही कूल दिखता है और मेरे हिसाब से इसको अनेबल करना चाहिए। बात करते 5th फीचर की, ये बेसिकली अटेंटिव डिस्प्ले है जिसमें जब तक आप फोन के पास देखते रहोगे फोन का डिस्प्ले जो है वो बंद नहीं होगा। बहुत ही ज्यादा यूजफुल फीचर है अगर आप बार बार अनलॉक करने से परेशान हो गए हो। और इसे एक्टिवेट करने के लिए डिस्प्ले के अंदर चले जाओ, यहाँ पर स्क्रीन टाइम आउट पर टैप करना और सबसे बॉटम में अटेंटिव डिस्प्ले को ऑन कर दो। अब जितना टाइम आपने सेट किया उतना टाइम तक फोन के पास नहीं देखोगे तो फोन अपने आप लॉक हो जाएगा। बहुत ही यूजफुल फीचर है एटलीस्ट स्टूडेंट्स के लिए जिनको फोन ऑन रख के असाइनमेंट्स लिखने होते हैं या काफी डीप रिसर्च चल रहा है स्टडी मटेरियल के लिए। 6th फीचर की बात करते हैं एंड ये अगेन स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पता है कभी कभी गाना लगाने का मन करता है, बैकग्राउंड में गाना चल रहा है, बट समहाउ आप क्लियर ऑल कर देते हो रिसेंट्स में और सारे एप्लीकेशन के साथ स्पॉटिफाई भी बंद हो जाता है। ऐसे में आप बैकग्राउंड एप्लीकेशन को लॉक कर सकते हो ताकि क्लियर ऑल में वो खत्म ना हो जाए। इस सेटिंग को ऑन तो करने की जरूरत नहीं है बट जैसे आप रिसेंट्स मेन्यू में जाओगे हर एप्लीकेशन के नीचे ये लॉक वाला आपको ऑप्शन देखने मिलता है, इसको टैप करते हुए एप्लीकेशन लॉक हो जाएगा और जैसे मैं क्लियर ऑल प्लेस करूंगा तो लॉक्ड वाले एप्लीकेशन को छोड़ के बाकी सारे एप्लीकेशन क्लियर हो जाएंगे। लॉक हटाने के लिए यहाँ पर वापस से क्लिक करना और अब क्लियर ऑल प्रेस करते ही वो एप्लीकेशन भी क्लियर हो जाएगा। 7th एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, मोटो ने डायग्नोस्टिक टूल दिया हुआ है जिससे आप अपने फोन के हर एक चीज को टेस्ट कर सकते हो खुद से। ये एप्लीकेशन आपको मोटो नोटिफिकेशंस के नाम से देखने मिलेगा। ऐप ओपन होने के बाद यहाँ पर डायग्नोस्टिक टूल्स मिल जाएंगे, इन सारे ऑप्शंस को सिलेक्ट करके आप एक एक चीज टेस्ट कर सकते हो। जैसे डिस्प्ले टेस्ट रन करूं, जैसे मेरा डिस्प्ले टेस्ट सक्सेसफुल रहा, बैकलाइट टेस्ट करना है, टच स्क्रीन का टेस्ट भी कर सकता हूं कि मेरे फोन का टच अच्छे से वर्क कर रहा है या नहीं। और यहाँ पर फुल टेस्ट का ऑप्शन भी मिलेगा जिसमें आप 19 फैक्टर्स को टेस्ट करोगे तो सर्विस सेंटर लेके जाने से पहले आप खुद से फोन को टेस्ट कर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है और ये थे मेरे 7 फेवरेट फीचर्स मोटो G64 फोन में से। अगर आपने फोन खरीदा है या फिर खरीदने वाले हो, इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देख लिया होगा अब तक आपने। मेक श्योर टू शेयर दिस विद समवन जिसने ये फोन खरीदा हुआ है एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका फेवरेट फीचर मुझे कमेंट्स में बताना, सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना एंड इसमें साइनिंग ऑफ यू वॉचिंग एलिमेंट टेक एंड आई कैच यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।